11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके क्लास 11th की फिजिक्स में चल रही सबसे बड़ी यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के आखिरी वीडियो लेक्चर में। जी हाँ, ये बात कहने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि जो आखिरी वीडियो लेक्चर होता है ना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट का एक सबूत होता है कि हाँ, आप यहां तक पहुंचे हो। तो इसका मतलब अगर आप सोचो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, कि कुल मिलाकर मैंने 21 वीडियो लेक्चर्स की लंबी अच्छी खासी सीरीज आप लोगों के लिए तैयार कर दी, यानी यूनिट नंबर 7 को समझाने में मैंने अपने जिंदगी के कम भी तो मान के चलिए ऑन एन एवरेज 120 घंटे, क्योंकि एक वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड करने से लेके एडिट करने तक का जो टोटल टाइम होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 घंटे तो होता ही होता है। तो अगर मैं एवरेज 5 घंटा मान लूं, तो आप नोटिस करेंगे मैंने आपको 21 लेक्चर्स दिए, यानी अप्रॉक्सीमेटली 100-110 घंटे की फिजिक्स मैंने आपको डेडिकेट करी है। आपके सामने ये लेक्चर्स आ चुके हैं और ऑन एन एवरेज अगर मैं हर लेक्चर का एवरेज टाइम 30 से 40 मिनट मान लूं, 30-40 मिनट्स, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास कम से कम भी, तो अगर एक लेक्चर 30 से 40 मिनट का है, तो 20 लेक्चर 800 मिनट के आसपास आपके सामने हो गए। और आज का लेक्चर 21st वीडियो लेक्चर आखिरी वीडियो लेक्चर है। और बता दूं कि ये भले ही यूनिट नंबर 7 का आखिरी वीडियो लेक्चर है, लेकिन यूनिट नंबर 7 का जो आखिरी भाग है, जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ हीट, उसका ये तीसरा वीडियो लेक्चर। जी हाँ, ट्रांसफर ऑफ हीट एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और आज के वीडियो लेक्चर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं। जितनी बातें मैं आज के वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, वो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन उतना जरूर बताऊंगा जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मेरे द्वारा बताई जाने वाली बातों को जब आप किताब खोल के देखोगे, तो आप नोटिस करोगे कि मैंने बताया इतना है और किताब में लिखा इतना है, तो फर्क है, लेकिन छोटा सा फर्क है। तो जो एक्स्ट्रा बातें किताब में लिखी होंगी, वो आप खुद से पढ़ के भी समझ सकते हैं। और अगर नहीं आपका मन करता या नहीं आपको समझ आता, तो परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जिनका मतलब समझना इंपॉर्टेंट है, उनको मैं आज बखूबी समझाऊंगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं उसी टॉपिक से शुरुआत करूंगा जिस टॉपिक का जिक्र मैंने पार्ट 2 वीडियो लेक्चर के आखिर में किया था, कि अगला टॉपिक आएगा हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ लॉज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। जी हाँ, ट्रांसफर ऑफ हीट वाले इस टॉपिक में कुछ स्पेसिफिक लॉज है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो कि हीट के टॉपिक से बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है। वो टॉपिक्स कौन से हैं, वो लॉज क्या है जो हीट के टॉपिक को समझाने में हमारा काम करते हैं आसान, ताकि ना होना पड़े हमें जरा भी परेशान, वो टॉपिक्स क्या है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहला लॉ जो आज हम पढ़ेंगे, यानी मैं यहां पे बताने जा रहा हूं सम इंपॉर्टेंट लॉज। मैं यहां पे हेडिंग डाल लेता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सम इंपॉर्टेंट लॉज That we must study, some important laws that we must study, some important laws related to transfer of heat. यानी कुछ important laws जो हमें पता होने चाहिए, and they are related to transfer of heat. यानी heat के transfer से ताल्लुकात रखने वाले कुछ important laws जो हमें हमारे सिलेबस में पता होने चाहिए। आइए बात करते हैं वो लॉज कौन से हैं। तो सबसे पहला लॉ जो मैं आपको समझाऊंगा, उसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसे कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। दूसरा लॉ जो मैं आपको समझाऊंगा, उसे हम कहते हैं किरचॉफ लॉ। तीसरा लॉ जो मैं आपको समझाऊंगा, उसे हम कहते हैं स्टीफेंस और कभी कभी स्टीफेंस बोल्ट्समैन लॉ। इसे स्टीफेंस बोल्ट्समैन लॉ कहते हैं। और चौथा लॉ जो मैं आपको बताऊंगा, उसे हम कहते हैं वीएन डिस्प्लेसमेंट लॉ। इन चारों लॉज का क्या मतलब है और ये चारों लॉ इस यूनिट में कितने मैटर करते हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलो पहले ये बता देता हूं कि ये चारों लॉ कितने मैटर करते हैं। ये चारों लॉ सिर्फ इनकी डेफिनेशन मात्र ही मैटर करते हैं, मतलब कि इनकी डेरिवेशन
आपको किताब में नजर तो आ जाएगी, लेकिन वो इतनी सिंपल होगी कि शायद आपको देखकर या तो समझ आ जाए, या हो सकता है कि वो इतनी कॉम्प्लेक्स हो कि आपको देखकर समझ ना आए। आप दोनों चीजें चेक कर लेना, जहां आपका काम बन जाए वहां अच्छी बात है, जहां ना बने वहां कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको केवल और केवल उतना ही बताऊंगा जिससे कि अगर कभी गलती से इन पे एग्जाम में सवाल आ जाता है तो कम से कम आपको इनका मतलब जरूर पता हो। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ यू नो डिस्ट्रैक्शन। आई जस्ट वांट दैट यू शुड ऑल पे योर अटेंशन। सबसे पहला हमारा जो लॉ हम शुरू करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नाम से ही पता चल रहा है कूलिंग का मतलब ठंडा होना, किसी भी चीज का ठंडा होना। अब किसी भी चीज के ठंडे होने को न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने थोड़ा सा डिटेल में स्टडी किया, और किस तरीके से स्टडी किया उसका मैं आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना, उसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूं। मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब करके तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन बोल के दिखाता हूं। आपको पता होना चाहिए कि कैलोरी मीटर क्या होता है। कैलोरी मीटर के नाम से पता चल रहा है एक ऐसा डिवाइस जो अमाउंट ऑफ हीट को कैलोरीज में नाप सकता है। थर्मोमीटर का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जो टेम्परेचर की वैल्यू को डिग्रीज में नाप सकता है। तो थर्मामीटर का काम है टेम्परेचर नापना, कैलोरी मीटर का काम है हीट नापना। तो आप कैलोरी मीटर नाम के डिवाइस के बारे में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो, और केमिस्ट्री के अंदर भी कहा थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में। और इस कैलोरी मीटर का जिक्र सिर्फ केमिस्ट्री में ही नहीं बल्कि फिजिक्स में भी होगा। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में इसका जिक्र नहीं होगा, लेकिन इस यूनिट में मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया है। तो चलो सर आप कर दो, चलो बता देता हूं। कैलोरी मीटर या हम कह सकते हैं कैलोरीमेट्री एक आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी गिवन मैटर के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाने वाली हीट की वैल्यू को नापने में मदद करता है, और उसके द्वारा कितनी हीट रिलीज हो रही है इसका भी अनुमान लगाने में हमें मदद मिलती है। तो कैलोरीमीटर नाम का डिवाइस होता है, उस डिवाइस के अंदर हमने क्या करा, दो तिहाई पानी भर दिया, और हमने जो कैलोरीमीटर लिया वो कॉपर का लिया। एक बच्चा कहता है क्यों, क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ताकि जब मैं उस दो तिहाई वॉल्यूम ऑफ पानी को कॉपर के वेसल में लेकर गर्म करूंगा तो उसका टेम्परेचर आसानी से बढ़ सकेगा, और उसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाने वाली हीट का अनुमान लगाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो हमने एक कैलोरीमीटर लिया जो कि कॉपर का बना था, और उस कैलोरीमीटर के चारों तरफ हमने एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल रख दिया जिससे कि कैलोरीमीटर को मिली हीट सराउंडिंग में एस्केप ना हो सके, सराउंडिंग में एस्केप ना हो सके फिलहाल के लिए। और सराउंडिंग का टेम्परेचर मैंने नोट डाउन कर लिया। मान लीजिए कि सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0 डिग्री सेल्सियस। मैं यहां लिख देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आपको बताने तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, तो हमारा पहला फोकस चल रहा है अंडरस्टैंडिंग पे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का मतलब, अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का मतलब। अभी हमारी जो बात चल रही है वो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के मतलब को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इसके मतलब को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने कहा कि हमने सबसे पहले उठाया कैलोरीमीटर, और कैलोरीमीटर जो हमने उठाया वो कॉपर का उठाया, उसमें हमने क्या कर दिया, दो तिहाई पानी भर दिया, हमने उसका 2/3 वॉल्यूम पानी से भर दिया। उसके बाद हमने उसको सराउंड कर दिया नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से, एक ऐसा मटेरियल जो उसकी हीट को एस्केप नहीं होने देगा, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को। और उसके बाद हमने उसे एक लकड़ी के डब्बे में रख दिया। ये जो बातें मैं बोल रहा हूं ना बच्चों, ये बातें आपको किताब में भी रीडिंग करते समय जरूर मिलेगी। मेरा मतलब जब ये कि आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के टॉपिक को रीड करोगे तो आपको यही सेम पैराग्राफ में लिखा हुआ मिलेगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। उसके बाद हमने सराउंडिंग का टेम्परेचर नोट किया, सराउंडिंग टेम्परेचर, मेरी बात ध्यान से सुनना, सराउंडिंग टेम्परेचर नोटेड एज, सराउंडिंग टेम्परेचर नोटेड एज T0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है सर। उसके बाद हमने क्या किया, टेक आउट द कॉपर वेसल, यानी जो कॉपर का कैलोरीमीटर है हमने उसको बाहर निकाला, टेक आउट द कॉपर वेसल एंड हीट द वॉटर टू अ टेम्परेचर 40 डिग्री मोर
40 डिग्री मोर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर। एक बच्चा बोला भाई ये क्या बोल रहे हो आप, हाँ मैं क्या बोल रहा हूं अभी आपको समझ आ जाएगा, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि हमने एक कॉपर का वेसल लिया है, दो मिनट के लिए भूल जाओ कि आपको कैलोरी मीटर नहीं पता। अगर कैलोरी मीटर नहीं पता तो सबसे प्यारा एग्जांपल पता है क्या है, हमारे घर में हमारे द्वारा बनाए जाने वाली चाय। चाय तो सब बनाते हैं। एक बच्चा कहता है मैं तो पीता भी हूं, बनाती तो मम्मी है। अरे कोई बात नहीं, मम्मी बनाती है आप पीते हो। आप जब चाय पीते हो तो जब चाय गर्मा गर्म आपके पास आती है, कभी आपने नोटिस किया है कि जब गर्मा गर्म आपके पास चाय आती है तो मुझे ये बताओ कि चाय के अंदर से निकलने वाला धुआं कब सबसे ज्यादा अच्छा नजर आता है, विंटर सीजन में या समर सीजन में? मैं दोबारा क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, मुझे बताना, चाय गर्मा गर्म जब आपके सामने आती है तो गर्मा गर्म चाय में से निकलने वाला धुआं आपको सबसे अच्छा कब नजर आता है, विंटर सीजन में या समर सीजन में? बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, विंटर सीजन में। ऐसा इसलिए क्योंकि विंटर सीजन में एक तो गर्मा गर्म चाय पीने में आपको मजा भी आ रहा है। एक बच्चा कहता है चाय पीने में मजा आ रहा है, धुआं ज्यादा नजर आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मेरा मतलब कि विंटर सीजन में आप चाय पीना एंजॉय कर सकते हो, गर्मी में हो सकता है आप अवॉइड करो। विंटर सीजन में चाय का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में एक अच्छा खासा डिफरेंस होता है। यही वजह है कि उस डिफरेंस को कोप अप करने के लिए चाय की गर्माहट फ्लोज विद अ ग्रेटर इंटेंसिटी एज कंपेयर टू चाय की गर्माहट एंड मौसम की गर्माहट या सराउंडिंग की गर्माहट इन समर सीजन। भाई समर सीजन में वातावरण भी गर्म होता है, चाय भी गर्म होती है, क्योंकि वातावरण भी है गर्म, चाय भी है गर्म, इसलिए हीट का फ्लो हो रहा है नरम नरम। लेकिन सर्दी के मौसम में चाय ही है गर्मा गर्म, लेकिन हमारा मौसम है नहीं गर्मा गर्म, रैदर वो है ठंडा, इसलिए हीट का फ्लो हो रहा है चंगा चंगा। मतलब ये कि जब किसी हॉट ऑब्जेक्ट का तापमान उसकी सराउंडिंग से काफी ज्यादा होता है, मतलब ये है कि अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट का तापमान उसकी सराउंडिंग से काफी ज्यादा होता है तो वो हॉट ऑब्जेक्ट के द्वारा ठंडे होने की प्रक्रिया, ठंडा होना मतलब कूलिंग, उसके द्वारा ठंडा होने की प्रक्रिया बहुत अच्छे से नोट की जा सकती है। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, न्यूटन ने इसी बात को एक लॉ के रूप में दिया जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और उन्होंने जिस बात के रूप में यह बात कही, उस बात को कहने से पहले जो उन्होंने किया वो ये हो रहा है। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं फिर उनके द्वारा कही हुई बात को दोहरा देते हैं। तो न्यूटन ने क्या करा, टेक आउट द कॉपर वेसल एंड हीट द वॉटर टू अ टेम्परेचर 40 डिग्री मोर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर। यानी जो पानी था उसके टेम्परेचर को हम 40 डिग्री तक ऊपर ले गए, मतलब 40 डिग्री से ज्यादा नहीं लेके जाएंगे क्योंकि एक्सपेरिमेंट 40 डिग्री पे एक्यूरेट डाटा दे रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो आपकी पानी है या कॉपर के वैसे में जो पानी है उसका टेम्परेचर पहले सराउंडिंग के टेम्परेचर के जैसा था लेकिन अब उसका टेम्परेचर नहीं रहा। सो मैंने यहां पर लिखा let the new temperature of water be T plus T naught. T plus T naught क्यों? क्योंकि T naught surrounding का temperature था। तो जब तक पानी को नहीं किया था गर्म, तब तक पानी का तापमान भी था नरम, लेकिन जब पानी को हमने करना शुरू कर दिया गर्म तब पानी का तापमान सराउंडिंग के तापमान से ज्यादा हो गया, approximately 40 डिग्री ज्यादा। मैंने टी नॉट प्लस 40 लिखने के बजाय टी प्लस टी नॉट लिख दिया, यानी टी टेम्परेचर ज्यादा किससे, टी नॉट से। अब क्या होगा, एक बच्चा कहता है क्या होगा, क्या गर्म कर दिया तो गर्म हो रहा है? नहीं, मैंने कहा कि आप उसे हीट करो, अब आप उसे निकालो, यानी जब आपने उसे हीटर पर रखा है तो हीटर से आप उसे हटा दो और वापस से वुडन बॉक्स में रख दो। अब मैंने यहां पर लिखा नाउ, इस स्टेप के बाद नाउ place the copper vessel back into wooden box, एक लकड़ी का डब्बा, and allow it to cool slowly, मतलब कि आराम आराम से उसे ठंडा होने का मौका दो, and
and note the temperature reading and note the temperature reading after every 1 minute. अब सारी बातों के एक सिंपलर वर्जन पे मैं आ जाता हूं. उसने कहा है कि आपने जिस कॉपर की वेसल में पानी लिया था, उस पानी को लेकर आपने गर्म किया था, गर्म आपने करके उसका टेम्परेचर 40 डिग्री एक्स्ट्रा रखा. किससे एक्स्ट्रा? सराउंडिंग से. जब सराउंडिंग से 40 डिग्री एक्स्ट्रा आपने टेम्परेचर रखा और उसके बाद आपने उसे हीटर से हटाया और वापस लकड़ी के डब्बे में थमाया. अब आपने नोट किया. नोट क्या किया? आपने उसे ठंडा होने का मौका दिया. आपको पता है बच्चों, न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया? न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया कि जैसे ही वो टेम्परेचर को आफ्टर एवरी 1 मिनट नोट डाउन कर रहा था, सुनना मेरी बात, आफ्टर एवरी 1 मिनट नोट डाउन कर रहा था, ही फाउंड दैट एट एवरी 1 मिनट देर वॉज अ ड्रॉप ऑफ सम डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर. यानी लगातार टेम्परेचर जो कम होता जा रहा था. और उसने अपना एक्सपेरिमेंट तब तक किया जब तक कि पानी और सराउंडिंग के बीच में मात्र 5 डिग्री का फर्क नहीं रह गया. मतलब he continued to observe the difference in the temperature of the water and the surrounding tab tak ke jab tak ke pani aur surrounding mein 5 degree ka farak nahi reh gaya. What did he observe? Usne jab observe kiya to observe karke usne graph banaya aur wo graph kuch is tarah se aaya jahan pe this was time and is point pe this was t minus t naught. इस ग्राफ से यह पता चला कि शुरुआत में पानी के ठंडे होने की प्रक्रिया, पानी के कूल डाउन होने की प्रक्रिया वॉज फास्टर. इस ग्राफ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला. आपको यह सारी चीजें सिर्फ ग्राफ देखकर नहीं पता चलेगी. हमें सिर्फ इतना समझना है कि न्यूटन ने ग्राफ क्या प्लॉट किया और ग्राफ प्लॉट करने के बाद न्यूटन ने कंक्लूजन क्या दिया. तो न्यूटन का, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, कंक्लूजन ये था कि जब पानी को ठंडा किया जा रहा था या पानी को ठंडा होने का मौका दिया जा रहा था तो उसके ठंडे होने की प्रक्रिया was found to be directly proportional to the difference in the temperature. आपने बिल्कुल सही सुना. ये Newton's law of cooling की statement है. यानी अगर कोई आपसे पूछ ले कि what is the statement of Newton's law of cooling, तो आप अपने कानों से अब मेरी statement को सुनना और मेरी statement को सुनने के साथ साथ अपनी नजरों को board पे बिठाना ताकि आपको एक तरफ से मेरी आवाज सुनाई दे और दूसरी तरफ से बोर्ड पे लिखी हुई बातें दिखाई दें और अपने दिमाग में उस स्टेटमेंट को बिठाना. तो मैं आगे से हट जाता हूं. सुनो, अब पहले देखो और मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनो. तो मैं आपको बोल रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ द लॉस ऑफ द हीट ऑफ द बॉडी, द रेट ऑफ द लॉस ऑफ द हीट ऑफ द बॉडी, यानी अगर कोई बॉडी गर्म है तो उसकी गर्माहट धीरे 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 क्या हो रही है? कम हो रही है. इसे कहा जाता है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ द बॉडी. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ लॉस ऑफ द हीट ऑफ द बॉडी, या फिर मुझे कहना चाहिए द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, या फिर मुझे कहना चाहिए रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस Between the body and the surroundings. जी हाँ, एक बच्चा कहता है सर दोबारा से. अच्छा कोई बात नहीं, मैं दोबारा बोल देता हूं. अब की बार बोलूंगा नहीं, एक काम करता हूं सीधा लिख देता हूं. तो मैं आपको सिखा रहा था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का मतलब. तो एज पर डेफिनेशन, आई रिपीट माई सेंटेंस, एज पर डेफिनेशन, यानी एज पर डेफिनेशन, एज पर डेफिनेशन, This law states that the fall of temperature or the loss of heat, the fall of temperature or the loss of heat of any given matter
is directly proportional to the temperature difference. Temperature difference between the body, between the body and surroundings. Provided, एक शर्त है. शर्त क्या है? मैं इसे मिटा के बताता हूं. शर्त यह है, provided कि body का temperature surrounding के comparison में body का temperature surrounding के comparison में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ाया गया हो. 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ाया गया हो. एक बार मैं कहता हूं कि इस बात को पहले आप बोर्ड पे जो लिखी है उसे घूरिए, ताकि आपको घूरने के बाद लिखा हुआ समझ आए. और लिखा हुआ अगर समझ आ गया तो समझो बहुत आसान हो जाएगा आपका काम. यानी द टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी स्मॉल, इट शुड नॉट बी मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस. यानी 40 डिग्री सेल्सियस से नहीं होना चाहिए. यानी हम सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं, सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं. Therefore, we may write that is dq by dt is directly proportional to t minus t naught. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसके आगे माइनस का साइन लगा देते हैं. क्यों? क्योंकि हीट का लॉस हो रहा है. हीट का लॉस हो रहा है किसके साथ? समय के साथ. हीट का लॉस हो रहा है समय के साथ. क्या कोई डाउट है किसी बच्चे को मेरे साथ? एक बच्चा बोला नहीं सर, कोई डाउट नहीं है. अगर कोई डाउट नहीं है तो समझो कि आपको चीजें समझ आ रही हैं, तो समझो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है. मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, तो ये जो लॉ था ना, इसे कहा गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. एक बार फिर से देख लीजिए, अपनी तसल्ली कर लीजिए, ताकि जब मैं आगे से हट जाया करूं तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने आपको पढ़ने का या समझने का या कह सकते हैं कि जानने का मौका नहीं दिया. तो आई होप कि इस वीडियो लेक्चर में मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाला ये पहला लॉ, यहां लिखिए ना मैंने, आज आपको ये सारे दवा पढ़ाऊंगा, समय तो लग जाएगा क्योंकि आखिरी वीडियो लेक्चर है. कसम खा के बैठा हूं कि सब बताऊंगा, सारे इतने डिटेल में नहीं बताऊंगा जितना डिटेल में न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बताया है. क्योंकि इस पे कई बार मैंने नोटिस किया 2 to 3 marks का क्वेश्चन इन डिटेल विद ग्राफ विद एक्सप्रेशन एंड विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आ ही जाता है. आई होप मेरे बच्चों को कोई डाउट नहीं रह जाता है. अब आगे बढ़ने से पहले मतलब किरचॉफ लॉ, स्टीफेंस लॉ और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को बढ़ने से पहले हमें समझनी होंगी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द अदर थ्री लॉज. व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट टर्म्स? मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां पे हर एक इंपॉर्टेंट टर्म लिखूंगा और हर एक इंपॉर्टेंट टर्म का मतलब समझाऊंगा आपको. मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहां पे लिख रहा हूं Some very important terms that we must know in this part of unit 7 and before we study these three laws. Which three laws? Kirchhoff law, Stephen's law and Wien's displacement law. इन्हें जानने से पहले कुछ important terms. पहली term हमें पता होनी चाहिए. What are thermal radiations? दूसरा हमें पता होना चाहिए reflectance of thermal radiations. उसके बाद हमें पता होना चाहिए absorptance of thermal radiations कि absorptance क्या होता है.
और उसके बाद हमें पता होना चाहिए ट्रांसमिटेंस ऑफ थर्मल रेडिएशन, कि ट्रांसमिटेंस ऑफ थर्मल रेडिएशन क्या होता है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए एमिसिव पावर क्या होती है, और उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि एब्जॉर्बिव या एब्जॉर्बटिव पावर क्या होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। हर एक टर्म के बारे में मैं जितना आज बताऊंगा उससे कहीं ज्यादा आपको किताब में पढ़ने को मिल जाएगा। मतलब सर आप अधूरा ज्ञान देने वाले हो। नहीं बच्चों, मैं ज्ञान अधूरा नहीं दे रहा हूं, ज्ञान कम दे रहा हूं। हाँ सर, बात तो वही है, कम और अधूरा एक दूसरे का पर्यायवाची होते हैं। अच्छा ऐसा है तो ठीक है, मान लो कि मैं आपको अधूरा ज्ञान दे रहा हूं, बट स्टिल मैं ये कहूंगा कि ज्ञान अधूरा नहीं है। इसके बारे में बताए जाने वाली बातें अधूरी कह लीजिए, कम है। अधूरा पता कब हम कहते हैं किसी चीज को, जब कोई चीज शुरू की गई हो और कंप्लीट ना की गई हो। मैं जो शुरू करूंगा वो कंप्लीट जरूर कर दूंगा, उसके अलावा और बहुत कुछ है जानने को जो मैं नहीं कहूंगा, वो किताबों में है। हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स में उनपे सवाल पूछा नहीं जाता, टीचरों के द्वारा बताया नहीं जाता, इसलिए तो मैं भी नहीं बता रहा हूं। लेकिन आपको पढ़ने से रोका नहीं जाता, आप अपनी इच्छा से चीजों को डिटेल में जानने की कोशिश और परिश्रम दोनों कर सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। आओ एक एक करके हम मतलब जानते हैं कि सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर थर्मल रेडिएशंस। थर्मल रेडिएशंस आर द रेडिएशंस विच आर एमिटेड बाय एनी बॉडी हुज टेम्परेचर मे बी मोर देन 0 केल्विन। जी हां, 0 केल्विन से ऊपर अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है तो उसकी गर्माहट, उसकी वार्मनेस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन सराउंडिंग में ट्रेवल कर सकती है। एक बच्चा कहता है क्या वो हमें दिखाई देगी? नहीं, आपको केवल और केवल उसका इफेक्ट फील होगा, क्योंकि थर्मल रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो 1 नैनोमीटर कह रहा हूं, 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में होती है, और 700 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम होता है वो एक्चुअली में इंफ्रारेड होता है। और इंफ्रारेड हमें कहां नजर आता है? हमें तो सिर्फ विजिबल लाइट रेज नजर आती है, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। तो एटलीस्ट आपको एक चीज ये तो समझ आ रही है कि किसी भी बॉडी का जब टेम्परेचर राइज करता है तो उसके द्वारा एब्जॉर्ब की गई हीट या उसके द्वारा पोजेस किया गया तापमान इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन सराउंडिंग में ट्रेवल कर सकता है, एंड सच रेडिएशंस आर कॉल्ड एज थर्मल रेडिएशंस। थर्मल रेडिएशंस और नॉर्मल लाइट की रोशनी की प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं है, सिवाय एक फर्क के कि लाइट की रोशनी हमें दिखाई देती है और थर्मल रेडिएशन हमें दिखाई नहीं देती। लाइट की रोशनी मतलब कि लाइट रेडिएशन जो कि विजिबल रोशनी है उसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होता है, और इसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक होता है। एक बच्चा कहता है ठीक है, मान गए कि थर्मल रेडिएशंस क्या होती है। थर्मल रेडिएशंस किसी बॉडी के द्वारा जब रिलीज होती है तो हो सकता है किसी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो, और हो सकता है कि कोई बॉडी एब्जॉर्ब करने की बजाय रिफ्लेक्ट कर दे, और हो सकता है कि कोई बॉडी रिफ्लेक्ट करने की बजाय ट्रांसमिट कर दे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने आपको थर्मल रेडिएशन के बारे में पढ़ाया तो आपको समझ आ जाएगा कि रिफ्लेक्टेंस क्या होता है, एब्जॉर्बटेंस क्या होता है और ट्रांसमिटेंस क्या होता है। सो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, रिफ्लेक्टेंस ऑफ थर्मल रेडिएशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द हीट एनर्जी और द थर्मल रेडिएशन विच गेट रिफ्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू विच वॉज एब्जॉर्ब। मतलब कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है उस पे Q1 नाम की ऊर्जा रिफ्लेक्ट हो रही है, तो भाई आई कितनी थी? मान लीजिए ऊर्जा आई Q, तो रिफ्लेक्ट कितनी हुई?
क्यों बदलो? जरूरी तो नहीं है ना कि 100% रिफ्लेक्ट हो जाए। क्यों सर? हो भी सकती है, क्या पता कोई ऑब्जेक्ट गुड रिफ्लेक्टर हो। हाँ, हो भी सकती है, लेकिन कितनी रिफ्लेक्ट हुई और कितनी आई का रेशो इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेंस। यानी रिफ्लेक्टेंस इज इक्वल टू Q1 बटा Q, where Q1 इज द हीट रिफ्लेक्टेड, इज द हीट रिफ्लेक्टेड एंड Q इज द हीट एब्जॉर्ब, या हम कह सकते हैं हीट गिवन। इसे हमें एब्जॉर्ब भी नहीं बोलना चाहिए, इसे हमें बोलना चाहिए गिवन। भाई इतनी दी गई, उसमें से इतनी रिफ्लेक्ट हो गई, तो भाई फिर एब्जॉर्बेंस का क्या मतलब होगा? एब्जॉर्बेंस में इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज एब्जॉर्ब, इसे हम कहते हैं हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय हीट गिवन। बिल्कुल सही आपने सुना, Q1 बटा Q पहला रेशो, Q2 बटा Q दूसरा रेशो। एक बच्चा बोला, अब आप ये मत कहना कि Q3 बटा Q तीसरा रेशो। भाई बिल्कुल कहूंगा, Q3 बटा Q इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड, यानी जो यहां पे मैं कह सकता हूं कि जो ट्रांसमिट हो गई यानी आर पार चली गई, डिवाइड बाय गिवन। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इसे डिनोट किया जाता है Q1 बटा Q को आर के सिंबल से, और इसे डिनोट किया जाता है ए के सिंबल से, और इसे डिनोट किया जाता है टी के सिंबल से। सो देयरफॉर मैं अब लिख सकता हूं, एक बच्चा बोला क्या, मैं लिख सकता हूं कि R इज इक्वल टू Q1 बटा Q, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू Q2 बटा Q एंड ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू Q3 बटा Q। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, एक बच्चा कहता है वाओ R A T, अब अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं तो देखो मुझे क्या प्राप्त होगा। मैं यहां करके दिखाता हूं, जगह 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 ये है हमारे पास, आओ यहां दिखाता हूं, आर प्लस ए प्लस टी इज इक्वल टू Q1 बटा Q प्लस Q2 बटा Q प्लस Q3 बटा Q। अब साफ पता चल रहा है कि R प्लस ए प्लस टी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को हम Q मानेंगे अगर कोई हीट का लॉस नहीं हुआ है, तो ये कट कटा के हमें प्राप्त होगा कि R प्लस ए प्लस टी इज इक्वल टू 1। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, है मेरी आप सभी को एक छोटी सी सजेशन कि एक बार मेरे द्वारा बोर्ड पे बताई गई, लिखवाई गई, समझाई गई ये सभी बातों को आप देख लीजिए। तो जो एनर्जी आई, मतलब जो हीट एनर्जी आई, उसे हमने क्यों माना, और जो हीट एनर्जी आई इसे हम कहते हैं हीट गिवन, या फिर हम कह सकते हैं हीट इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब जो उस पर भेजी गई। तो अगर किसी मटेरियल पे आप कुछ हीट एनर्जी भेजते हो तो उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब होता है, और उसका कुछ हिस्सा ट्रांसमिट होता है। तो कितना हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ, कितना हिस्सा एब्जॉर्ब हुआ और कितना हिस्सा ट्रांसमिट हुआ, इसके बेसिस पे हमें पता चलता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्बेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसमिटेंस। इसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि कौन सी बॉडी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकती है। कैसे पता चलेगा? देखा जाए तो किसी भी बॉडी का एनर्जी को एब्जॉर्ब करना या एनर्जी को रिफ्लेक्ट करना या एनर्जी को ट्रांसमिट करना उसके नेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और उसके कलर पे भी। ब्लैक कलर की जो बॉडी होती है वो जनरली सभी प्रकार की वेवलेंथ को अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर पाती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये काम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में होगा, और ये शब्द आपने पहले भी सुना है, मतलब कि केमिस्ट्री में आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पता है, और आपने सुना होगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन मींस द रेडिएशंस व्हिच आर एमिटेड और ट्रांसमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ ब्लैक कलर्ड बॉडी, काले रंग की कोई भी बॉडी के द्वारा एनर्जी या तो अच्छे से एब्जॉर्ब हो रही है या तो अच्छे से ट्रांसमिट हो रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है, और जब वो ब्लैक कलर की बॉडी से होती है तो उस रेडिएशन को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक बार मेरी है सजेशन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि मैं हूं बोर्ड के आगे से हट जाता
ताकि सब कुछ आपको दिखाई दे और सब कुछ आपको समझ आता। अब सवाल ये आता है, सर सर ठीक है आपकी बात मान गए कि ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, ये सारी चीजें आपके सामने हैं, लेकिन अब हमें समझना क्या है, हमें इस चीज को कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए एक और टर्म आपको बोर्ड पे लिखी नजर आ रही है। बिल्कुल सही आपने कहा, वो क्या टर्म है जरा ध्यान से देखिए, आपको लिखा नजर आ रहा होगा एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर। भाई अब ये एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, देखो जब कोई बॉडी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो जरूरी तो नहीं है ना कि वो सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेगी, और जरूरी नहीं है कि जो वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करेगी उसके बाद उसे एमिट भी करे, क्योंकि किसी गिवन टेम्परेचर पे आने वाली एनर्जी की वेवलेंथ मैटर करती है भाई। तो इस बारे में मतलब इस बारे में किरचॉफ नाम के वैज्ञानिक ने एक बात कही, और किरचॉफ नाम के वैज्ञानिक ने जो बात कही वो बात क्या है, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, यानी अब मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज किरचॉफ लॉ। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ द रेशो ऑफ एमिसिव पावर टू दैट ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर at a particular wavelength and at a given temperature is constant for all bodies that is emissive power। emissive को e lambda लिखते हैं और absorptive power को a lambda लिखते हैं, इस कांस्टेंट, इसे कहते हैं किरचॉफ लॉ। पहले देख लो, फिर देखने के बाद आपके मन में हो सकता है कि कोई सवाल उठ रहा होगा, इनफैक्ट सवाल जो उठ रहा होगा वो सिर्फ यही होगा कि यार ये एमिसिव पावर क्या होती है, यार ये एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है। तो एमिसिव पावर आपको ये बताती है कि कोई भी बॉडी थर्मल रेडिएशंस को किस हद तक एमिट कर सकती है, मतलब कि उसके एमिट करने की पावर कितनी है, कितना ज्यादा वो एमिट करेगी। और ठीक उसी प्रकार कोई भी बॉडी किस एक्सटेंट तक या किस हद तक एब्जॉर्ब कर सकती है उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। ये जो बात मैंने बताई है ना बच्चों, ये बड़ी सिंपल है, इससे ज्यादा आपको शायद किताब में देखने को और पढ़ने को मिल जाए। तो मेरी सजेशन है कि आप वो मौका मत छोड़ना, किताब खोल के अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो आपको कोई रोकेगा नहीं। इसलिए ये चीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे 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 बच्चों। एक बच्चे के मन में सवाल उठा, मैंने कहा भाई क्या सवाल उठा, कहता है सर बड़ी सिंपल सी बात है, आपने भी खुद ही कहा था कि ब्लैक कलर की बॉडी अच्छा एब्जॉर्ब भी करती है और अच्छा एमिट भी करती है। हाँ कहा तो था। तो ब्लैक कलर की बॉडी का ही एग्जांपल लेते हुए स्टीफेंस नाम के वैज्ञानिक ने बोल्ट्जमैन नाम के वैज्ञानिक के साथ मिलकर एक लॉ दे दिया, जिसे हम कहते हैं स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, या कभी कभी उसे सिर्फ स्टीफेंस लॉ भी कहा जाता है। अब उन्होंने क्या कहा, आइए उसके लिए जगह बनाता हूं क्योंकि टर्म्स का मतलब समझा चुका हूं। तो किरचॉफ लॉ के नीचे भैया तुम हट जाओ, तुम्हारी बात खत्म हो चुकी है, तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है, तुम्हें समझाया जा चुका है। अगर किसी बच्चे को कोई बात दोबारा समझनी हो तो कृपया करके वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें, पीछे की बातें दोबारा सुने और दिमाग में चीजों को फिक्स करें। तो मैं आपको समझा चुका हूं क्या न्यूटन का लॉ ऑफ कूलिंग, किरचॉफ लॉ, आइए बात करते हैं स्टीफेंस लॉ और वियंस डिस्प्लेसमेंट लॉ की। तो स्टीफेंस लॉ क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ किसी भी ब्लैक बॉडी के द्वारा
एमिट किए जाने वाली थर्मल रेडिएशंस की एनर्जी, थर्मल रेडिएशंस की एनर्जी, थर्मल रेडिएशंस की एनर्जी फ्रॉम अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया, यानी उसके एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया से, फ्रॉम अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया, उसका जो भी सरफेस एरिया है, मतलब जहां से भी एनर्जी बाहर आ रही है, is directly proportional to the fourth power of temperature of that surface. एक बच्चा कहता है सर ये क्या लिख दिया भाई, सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी बॉडी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है तो जितना ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा ऑब्वियस सी बात है कि उतना ज्यादा उसके द्वारा थर्मल रेडिएशंस की एनर्जी एमिट होगी। और ये बात अगर किसी ने कही तो स्टीफंस ने कही कि किसी भी ब्लैक बॉडी के द्वारा, स्पेसिफिकली ब्लैक बॉडी के लिए उन्होंने कहा, किसी भी ब्लैक बॉडी के द्वारा किए जाने वाली थर्मल रेडिएशंस की एनर्जी या एमिट किए जाने वाली थर्मल रेडिएशंस की एनर्जी फ्रॉम अ पर्टिकुलर सरफेस, ये जनरली 1 meter square होता है, पर्टिकुलर सरफेस एरिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4 और E is equal to sigma T का power 4, where this is a sigma से बोलते हैं, this is a Stefan's constant, और इस law को Stefan's law के अलावा एक और नाम से पुकारा जाता है, इसे Stefan's fourth power law भी कहते हैं। अरे भाई ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना कि मैं आपको बताऊं और आपको किताब में पढ़ने को मिले और ऐसा लगे कि मैंने नहीं बताया, तो मैं वो सारी बातें बता रहा हूं जो किताब में भी पढ़ने को, देखने को, जानने को, समझने को सब कुछ आपको मिलेगी। एक बार इस पूरी बात पे नजर डाल लीजिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, स्टीफंस कांस्टेंट आपने आज से पहले सुना जरूर होगा लेकिन यह नहीं पता था कि इसका जिक्र कहां होता है, आज आपके सामने स्टीफंस कांस्टेंट का जिक्र भी हो गया। अब क्योंकि कांस्टेंट है तो कोई ना कोई वैल्यू भी होती होगी, बिल्कुल होती है, इसकी वैल्यू होती है 5.67 × 10⁻¹⁸ वॉट प्रति मीटर स्क्वायर प्रति केल्विन का पावर 4। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक बच्चे ने कहा ठीक है सर, ब्लैक बॉडी से एमिट होने वाली थर्मल रेडिएशन की आपने बात तो कर ली एनर्जी की, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है सर, ब्लैक बॉडी के द्वारा एमिट होने वाली थर्मल रेडिएशन की एनर्जी की बात आपने कर ली, सर वेवलेंथ की बात भी कर लो, हाँ वेवलेंथ की बात मैंने नहीं करी, वेवलेंथ की बात वीएन नाम के वैज्ञानिक ने करी जिनके द्वारा एक लॉ दिया गया, ये वीएन डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब क्या कहता है वीएन डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये भी सुन लीजिए, छोटा सा लॉ है, प्यारा सा लॉ है, आपको समझ आ जाएगा, हालांकि डिटेल में आप जाना चाहें तो किताब में बहुत कुछ लिखा है, आप देख लीजिएगा क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू वीएन डिस्प्लेसमेंट लॉ द मैक्सिमम वेवलेंथ, आई रिपीट माय सेंटेंस, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड इंटेंसिटी, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड इंटेंसिटी फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी, फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी, किसी भी ब्लैक बॉडी के द्वारा, फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सही सुन रहे हैं आप, is inversely proportional to its temperature, that is maximum wavelength को lambda m मैंने कहा, is inversely proportional to temperature or lambda m is equal to b beta t, where b is a constant called as Wien's constant। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों एक बार जरा देखो तो सही कि मैंने लिखा क्या है, फिर आपको हो सकता है कि मेरी बात समझ आ जाए। मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं, मैंने लिखा कि किसी भी ब्लैक बॉडी के द्वारा एमिट किए जाने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ जो होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ जो होती है,
यानी जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, द वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी कह लीजिए या द मैक्सिमम वेवलेंथ कह लीजिए, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस बॉडी के टेम्परेचर की, उस बॉडी के टेम्परेचर की। दैट इज हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, दैट इज हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर होगा ज्यादा तब लैम्डा होगा कम। दैट इज हम सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता ही है, ये हम सब जानते हैं। E इज इक्वल टू एक्सी बाय लैम्डा होता है, ये आपने कई बार कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आगे चल के फिजिक्स में भी जानने को मिल ही जाएगा। अब क्या कहना क्या है, सब कुछ तो करा दिया। हाँ, ये कह सकते हो कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा करा दिया, ऐसा मत सोचना कि मैंने सब कुछ उतना करा दिया जितना किताब में लिखा है, क्योंकि किताब मैं भी पढ़ता हूं यार, मेरे सामने भी किताब आती है, मुझे भी पता है कि जो किताब की बातें मैं पढ़ा रहा हूं वो किताब की बातें जब बच्चे मेरे पढ़ाने के बाद खोलेंगे तो उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मास्टर ने ये बताया, मास्टर ने वो बताया। अरे कम से कम मास्टर ने जो नहीं बताया वो खुल के बताया, और जो नहीं बताया वो खुल के कहा कि नहीं बताया। So, मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। अरे और कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है, खत्म। जी हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात का ऐलान करने में कि हमारी ट्रांसफर ऑफ हीट कह लीजिए या बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यूनिट नंबर 7 क्लास 11th की फिजिक्स की सबसे बड़ी यूनिट का खात्मा हो गया है। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, विद दिस वीडियो लेक्चर आई हेयर बाय अनाउंस द रैपिंग अप ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट थी, 21 वीडियो लेक्चर कम नहीं होते, 21 वीडियो लेक्चर देकर मैंने इस पूरी यूनिट को समाप्त किया है, और आपने जो अपना कीमती समय दिया है उसके लिए शुक्रिया, मेरा तहे दिल से मैंने हमेशा अदा किया है। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब शुरू करेंगे बहुत जल्द एक नई यूनिट का सफर, नहीं करना है आपको समय बेकार। लौट के आऊंगा मैं फिर से एक बार, और आपको वो बता दूं, वो सभी बच्चे जो यूनिट नंबर 7 मेरे चैनल पे देख रहे हैं, मैं बता दूं यूनिट नंबर 7 से पहले यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1, सब कुछ पूरी 11th का कोर्स करा चुका हूं, पूरा चैनल पे अवेलेबल है, आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, तब जाके आपके जीवन में कामयाबी का झंडा फिरेगा। जी हाँ प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, बस यही करना है आपको, देना है पूरा ध्यान, नहीं होंगे आप जरा भी परेशान, लौट के आऊंगा फिर से एक और बार, मत करना आप अपना समय बेकार। आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। अगर अभी तक आप में से किसी बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा, वीडियो देखे जा रहे हो बस, देखे जा रहे हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, क्या बिगाड़ा मैंने आपका, कर लो यार, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और जो प्यार आप हमेशा से देते आ रहे हैं उसे देते रहें, वो देना ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।